Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Today we are going to Blue Mountains for the first time. गैस स्टेशन के सामने भाई अभी फटाफट सामान उठाते हैं, तेल डलवाते हैं, सामान उठाते हैं, कुछ स्नैक्स रनिंग में, बिकॉज आगे जाके हाईवे पकड़ लूंगा तो डायरेक्टली 144 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई एग्जिट नहीं होती, तो खाना पहले उठा लेते हैं हम। दिस सिटी इज़ नोन एज कॉलिंग वुड्स गाइस। ये रनिंग में हमें मिला, ब्लू माउंटेन्स के ऑन वे आता है, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि इतना बड़ा एक लेक है एंड लेक के पास में एक छोटा सा सिटी है, तो हम लैंड एंड में आ गए। इसके सामने कुछ नहीं है, जस्ट दिस लेक। यहाँ पे भाई फोटोशूट चल रही है। ब्लू माउंटेन्स इज अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, तो वहाँ जाके बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट गाइज, ब्लू माउंटेन्स पहुँचने के बाद सारा सामान हमने पैक कर लिया, स्पेसिफिकली वाटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम गए पब्लिक वॉशरूम, वॉशरूम फ्री है ब्रैम्पटन में, भाई वॉशरूम ही नहीं मिलता, ब्लू माउंटेन्स इतना दूर हमें पब्लिक वॉशरूम मिल गया। तो वॉशरूम एंड फ्रेश होने के बाद हमने डायरेक्टली देखा कि विलेज के एंट्रेंस में ही पूरा एक मैप बना हुआ है, आपको दिख जाएगा। मैप को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड द विलेज एंड द रेस्टोरेंट्स एंड फूड ब्लू माउंटेन्स हैज़ टू ऑफर। एंड सबसे पहले आपको बता दूँ, हमने टिकट नहीं लिया था ऑनलाइन, सो यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेंट्रल का दिख जाएगा लोगो, एंड वी वेंट टू एक्टिविटी सेंट्रल टू टेक द टिकट्स। इट्स नोन एज द ऑल डे पास, जिसमें सारा एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा, नो एक्स्ट्रा चार्जेस गाइस। पहले हमने सोचा था कि थोड़ा सा खाना खा के फिर हम राइड्स को ट्राई करेंगे, बट वी वर नॉट दैट हंग्री, सो वी ट्राइड द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर राइड, द गोंडोलास। एंड इसमें भाई अगर हाइट फोबिया है तो थोड़ा सा सोच के जाना, बिकॉज मेरे को है हाइट फोबिया, मुझे ना डर लगा था व्हेन इट वेंट अप, इट्स काइंड ऑफ हाई, बट हमने बहुत ज़्यादा मज़े किया। द व्यू यू कैन सी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था, एंड ऊपर जाके द एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी टोल्ड अस कि आपको बहुत सारे ट्रेल्स मिलेंगे, यू कैन गो एक्सप्लोर एंड देयर आर ट्रीज विद फ्रूट्स एंड स्टफ। आपको एप्पल दिख ही रहा है, मेरे भाई ने एप्पल चुरा के भाई हमने फ्रेश एप्पल्स ट्राई किया, एंड देन देयर वाज नथिंग मच टू डू, जस्ट द ट्रेल, सो वी डिसाइडेड टू कम डाउन एंड ट्राई द अदर एक्टिविटीज़, बिकॉज हमें टाइम पे घर भी जाना था, एंड वी केम फ्रॉम मिसिसागा। हाईली रिकमेंडेड गाइस, इफ यू गो टू ब्लू माउंटेन्स डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई द रिज रनर, वन ऑफ माई फेवरेट राइड्स। मुझे लगता है कि वंडरलैंड में सबसे सेक्सी राइड्स मिलते हैं, बट ब्लू माउंटेन्स इज अ लॉट टू ऑफर गाइस। बहुत बढ़िया राइड था, बहुत थ्रिल मिला, एडवेंचरस था। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसका जो स्पीड है ना, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है, यू कैन ब्रेक दिस, यू कैन लाइक स्पीड इट अप, यू कैन कंट्रोल द स्पीड, एंड बहुत अच्छा था, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट, वंस यू आर डन विद द राइड, आपको यहाँ पे पूरा क्लिप दिख जाता है आपका, दैट इज इंक्लूड इन द फेयर एज़ वेल। हेल ऑफ एक्सपीरियंस मैन, ओह माय गॉड, बट वंडरलैंड का जो राइड था वो और ज्यादा सेक्सी था, बहुत ज्यादा, उसमें एड्रेनलिन रश बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हमने डायरेक्टली ट्राई किया जिप लाइनिंग, विच वॉज अगेन वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज टू डू इन ब्लू माउंटेन्स। पंछी बनू मूर्ति फिरू मस्त गगन में। जिप लाइनिंग के बाद हमने किया रॉक क्लाइंबिंग, विच वॉज अगेन समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से उठा नहीं गया, मेरे भाई ने तो बड़ी इजीली कर लिया। एंड नैन्सी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वन, भाई उसने इतना इजीली किया, नीचे भी आ गई फटाफट, फिर हम खाने चले गए, बिकॉज यार भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, एंड पिज्जा इज समथिंग विच वी ऑलवेज क्रेव। क्या हो रहा है ब्रदर? हम नंगे हो रहे हैं ब्रो। क्यों? ऐसे सुनसान जगह में क्या कर रहे हो आप? और यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेरे को और नैन्सी को थोड़ा सा हवाबाजी करते हुए, उसके बाद हमने फोटोशूट किया, रील्स बनाए, भाई के साथ हमने पानी में एंजॉय किया, फिर हम निकल पड़े घर की तरफ।
मेरे बाल नहीं दिखाना कच्चे पूरा दिन ब्लू माउंटेन्स फिर ये पानी वाले एक्टिविटीज करके हमने चिप्स उठाए और टिम हॉर्टन से कॉफी उठाने के बाद यार मेरे बॉडी में थी नहीं जान तो हम प्लेन से घर वापस आ गए। ओ बाय द वे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।